नमस्कार दोस्तों, माइंड रिफ्रेश करने वाले अलग अलग ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ये चैनल माइंड रिफ्रेशर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, आपकी कोई भी समस्या है इसमें कमेंट करें और इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं इसका शुक्रिया करता हूँ। वैसे तो ये गुजराती चैनल है लेकिन मैं इसमें हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँच सके। आज का मेरा विषय है कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो ये सुन के आपके दिमाग में एक ही ख्याल आया होगा, हार्ट अटैक। वैसे हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है जो लोहे की नली में जमा हो जाता है, जिससे हार्ट को पंप करने में जोर करना पड़ता है और वो फेल हो जाता है। आज मैं आपको इसके उपचार या फिर बचने के तरीके के बारे में नहीं बताऊंगा, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। आज मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल फैट यानी कि चर्बी से बनता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है, इसीलिए ही तो हमारी बॉडी 80% यानी कि 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर और पाचन मार्ग से बनाती है। सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल ही हम खाने से लेते हैं। अगर आप दिन में 100 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल फूड में लेते हैं तो लीवर 800 मतलब कि 800 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल चर्बी प्रोटीन और शर्करा यानी कि शुगर से बनाता है। मतलब सिर्फ चर्बी से ही नहीं, प्रोटीन और शर्करा से भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल अकेले कभी सफर नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रोटीन के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाता है। आपने लिपिड प्रोफाइल तो कराया होगा, उसमें आपको कई टाइप के लाइपोप्रोटीन मिलेंगे। चलो जानते हैं उनके बारे में। पहला है काइलोमाइक्रोन, जो हम फूड लेते हैं उसके लिपिड को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो लीवर से बनता है और शरीर में जाता है, जहां से उसमें से फैट दूर होता है और वो ILDL बनता है, और उसमें से आगे जाके वो बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL। ये जो LDL होता है वो हार्ट अटैक का कारण बनता है, क्योंकि LDL धमनी यानी कि आर्टरी में जमा हो जाता है, जिससे अटैक की संभावना बढ़ती है। एक और टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम HDL कहते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ले जाते हैं, मतलब कि जो LDL होता है उसे ये लीवर में वापस ले जाते हैं, जहां से लीवर उसे दूर कर देता है। इस तरह ये हमारी रक्षा करता है। अगर आप में HDL कम है तो आप में अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसके अलावा जरूरी भी है। आपको लगता होगा कि कैसे जरूरी, तो हम आपको समझाते हैं। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को हमारे शरीर में लाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में बनता नहीं है, वो हमें ज्यादातर सूर्य प्रकाश से मिलता है। वो हमारी स्किन से कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही जमा होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा वो शरीर में अंतःस्राव यानी कि हॉर्मोन्स बनाता है, जिसमें एक है एस्ट्रोजन जो स्त्री के जातीय लक्षण प्रेरित करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का अन्य उपयोग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाना, यह भी अंतःस्रावी है जो शरीर में नमक की मात्रा का संचालन करता है। और इसके अलावा वो शरीर के चेताकोष में से चेतना का प्रसार करने के लिए भी जरूरी है, जिससे हम शरीर की हलन चलन से लेकर सभी क्रिया करते हैं। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल के बिना भी हम नहीं रह सकते। मतलब कोलेस्ट्रॉल इतना भी बुरा नहीं है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। इस हिसाब से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने से वो ज्यादा LDL बनाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल माइंड रिफ्रेशर को लाइक करें, शेयर करें और आपकी कोई भी मुश्किल कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।